अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं अपने चैनल पेट्स केयर इन्फो में आप लोगों का जो है वो वेलकम करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी दो वीडियोस में दिखाया था कि मैंने बुलबुल के चिक्स रेस्क्यू किए हैं, और फिर दूसरी में दिखाया था कि मैंने इनको किस तरह से हैंड फीडिंग कराता हूँ। लेकिन पहले जो है मेरे पास दो चिक्स थे और अब एक है। इसकी वजह यह है कि मेरा जो है एक चिक जो है वो एक्सपायर हो गया था। जब मैंने हैंड फीडिंग की वीडियो डाली थी उसके तकरीबन 10 या 15 दिन बाद जो है वो एक्सपायर हो गया था। उसकी कोई ग्रोथ वगैरह नहीं हो रही थी और उसके पाँव भी जो है वो टेढ़े हो गए थे, और उसने खाना पीना भी जो है कम कर दिया था। फिर देखते ही देखते जो है वो एक दिन रात में जो है वो एक्सपायर हो गया। और फिर मेरे पास जो है एक जो आप लोगों को सामने ये दिख रहा है ये बचा। ये माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है और काफ़ी टेम्ड हो गया है। इसको जो है हर वक्त बाहर आने की लगी रहती है, तो अभी मैं इसको जो है वो आप लोगों के सामने बाहर निकालता हूँ और इसकी एक्टिविटी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए इसको जो है वो मालूम है कि इसको कहाँ से बाहर आना है। तो ये काफ़ी जाली से जो है ना अपनी ये चोंच मारता है, तो इसके ऊपर से जो है वो नाक जो है वो ज़ख्मी हो गई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं इसको जो है वो खाने के लिए क्या देता हूँ। तो दोस्तों इसको खाने के लिए जो है मैं हरा धनिया देता हूँ, पुदीना देता हूँ, और इसको मैं ब्रेड भी देता हूँ कभी कभी, और प्लस जो है मैंने इसके लिए जो है वो बाजरा भी लिया हुआ है, और इसको मैं जो है वो बाजरा भी देता हूँ। लेकिन ये ज़्यादा शौक से बाजरा नहीं खाता है, ज़्यादा शौक से जो है ये ब्रेड खाता है और प्लस जो है ये खाता है। अच्छा, जब मैं इसको जो है वो अपने हाथ से देता हूँ तो ये सिर्फ हाथ से ही फिर खाना शुरू कर देता है। तो इसको जो है वो ज़्यादा आदत मैंने ये डाली है आजकल कि मैं इसको पिंजरे में रख देता हूँ, इसको जब भूख लगती है खुद ही खाता है, वरना फिर ये जो है हर वक्त इंतज़ार में रहता है कि इसको हाथ से खिलाऊं। तो अभी भी आप लोग देख रहे होंगे ये हाथ के चक्कर में कि मैं इसको हाथ से खिलाऊं जबकि ये खुद भी खा सकता है। अभी मैं इसको जब थोड़ी देर नहीं खिलाऊँगा तो फिर ये खुद ही खाना शुरू कर देगा। देखो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जब मैंने इसको खाने के लिए नहीं दिया तो इसने फिर खुद ही खाना शुरू कर दिया, और जब मैं इसको जैसे ही मैं अपने हाथ में उठा लेता हूँ कुछ भी खाना, तो फिर ये इंतज़ार में रहता है कि अब मैं इसको फीड कराऊँगा। और अभी ये काफ़ी भूखा है तो खुद ही उठा उठा के जो है वो अभी खाएगा, मैं इसको नहीं दूँगा। इसको जो है अपनी कटोरी में से खाने की आदत है, तो ये अभी भी जो है वो यहाँ से उठाता है और अपनी कटोरी में रख के उसके बाद फिर खाता है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं इसको जो है वो ब्रेड किस तरह से देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ब्रेड जो है वो बहुत शौक से खाते हैं। दोस्तों ये जो है बहुत शौक से खाता है पुदीना, हरा धनिया, और आप लोगों के सामने जो है ये इस वक्त जो है थोड़े से नखरे कर रहा है, ये मेरे हाथ से खाने के लिए जो है वो बोल रहा है। तो मैं इसको जो है अपने हाथ से ही खिला रहा हूँ, वरना मैं इसको इसके पिंजरे में डाल देता हूँ, ये तो ये खुद ही खाता है। Thank you.
चलें दोस्तों अपने वीडियो को जो है बैंड करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के तआवुन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।